हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं इस BM800 कंडेंसर माइक्रोफोन का स्मॉल ऐप पे ऑडियो टेस्ट लूँगा, देखूँगा कि आउटपुट का रिजल्ट सचमुच अच्छा आता है या नहीं। और इसके साथ साथ बोट ईयरफोन और बोया M1 माइक, इसका भी कंपेयर इससे करूँगा स्मॉल ऐप पर, देखूँगा सबसे ज़्यादा किसका अच्छा साउंड की क्वालिटी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये सॉन्ग मैंने बोया M1 माइक से गाया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये सुपर स्टूडियो मोड है। आपको वोकल वॉल्यूम दिखा दूं, 0 है, और रिवर्ब अमाउंट और रिवर्ब कैरेक्टर आपको दिखा देता हूँ, ये भी 0-0 है। अब इसे आप नॉर्मल मोड में सुनिए कैसे गाया है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। अब मैं इसका रिवर्ब कैरेक्टर 50 कर देता हूँ और रिवर्ब अमाउंट भी इसको 50 कर देता हूँ। फिर सुनिए इसका क्या इफेक्ट आता है। मैं तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। अब आपने सुन लिया इसका साउंड इफेक्ट। हालांकि इसका साउंड इफेक्ट तो अच्छा है, लेकिन ईयरफोन इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप इसे स्मॉल पे यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यही सॉन्ग मैंने बोट ईयरफोन से गाया है, इसको भी मैं आपको सुना देता हूँ। इसका वोकल वॉल्यूम देखिए 0 है, रिवर्ब कैरेक्टर इसको 0 कर लेता हूँ, रिवर्ब अमाउंट भी 0 कर लेता हूँ। फिर आपको इसको नॉर्मल मोड में आपको सुनाता हूँ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। अब मैं इसका रिवर्ब कैरेक्टर और रिवर्ब अमाउंट 50-50 दोनों कर लेता हूँ। फिर इसका साउंड का क्या इफेक्ट आता है, ये आप सुनिए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। अब मैं आपको BM800 कंडेंसर माइक्रोफोन का ऑडियो टेस्ट लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे वोकल वॉल्यूम 0 है, रिवर्ब अमाउंट रिवर्ब कैरेक्टर दोनों 0-0 है। अब इसको नॉर्मल मोड में पहले सुन लीजिए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। अब इसका रिवर्ब कैरेक्टर और रिवर्ब अमाउंट फिर से दोनों को 50-50 कर देता हूँ।
फिर इसको सुनिए कि इसका साउंड इफेक्ट कैसा आता है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। तो दोस्तों, आपने तीनों माइक का एक एक करके ऑडियो क्वालिटी चेक कर लिया। आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि किस माइक का आपको साउंड की क्वालिटी सबसे अच्छा लगा। अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूं तो मुझे इस माइक का BM800 कंडेंसर माइक्रोफोन का ऑडियो क्वालिटी सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें नॉइज कैंसिलेशन है, बाहर के साउंड जो होता है एक्सटर्नल साउंड को ये अंदर जाने से रोकता है और आउटपुट का रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। इसका एक और प्रूफ मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, स्टार मेकर पे भी दूंगा और एक लेक्सिस ऑडियो एडिटर पे कंपेयर करके दिखाऊंगा कि ये सबसे बेस्ट क्यों है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मैं बनाते रहूंगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।